यार तू नचड़ चुकी गई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज यहाँ पर चल रहे हैं जी काम शाम और सुबह की रूटीन तो यही होती है कि भाई नाश्ता किया साथ में बैठकर, और फिलहाल हमारा नाश्ता जो है ना सुकून से चल रहा है। अभी मेहमान जब आ जाते हैं ना घर में रहने के लिए तब नाश्ता भी झटपट में होता है। और आज हम करने वाले हैं इस रूम की सफाई। रूम आप लोग देख लो, यहाँ पर अम्मी का सारा फर्नीचर था, अब ये सारा फर्नीचर हम बाहर निकालेंगे और ये रूम होने वाला है जी भाभी का। इसलिए हम इस रूम की अच्छे से सफाई कर रहे हैं। एक दो दिन में भाभी का फर्नीचर भी आ जाएगा और वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। फिलहाल यहाँ की ना सफाई कर रहे हैं हम लोग, और सफाई के दौरान तो आपको पता है काम इतना होता है कि रिकॉर्डिंग वगैरह ज़्यादा नहीं हो पाती है। फिलहाल अम्मी और अब्बास मिलकर ना फर्नीचर को और रूम में सेट कर रहे हैं, और मैं यहाँ से जाले वगैरह जो है ना वो साफ़ कर रही हूँ। मैंने कहा चलो मुझे वो काम दे दो जो ईजी हो। अब्बास और अब्बू यहाँ पर इस बेड को ना खोल रहे हैं ताकि दूसरे कमरे में इसको शिफ्ट कर सकें। और ये देखो इस वक्त आप हॉल की सिचुएशन देखो, सारी चीज़ें जो थी हमने हॉल में निकाल ली थी और बारी बारी देख रहे थे कि किस चीज़ को कहाँ कैसे सेट करना है। तो मैंने कहा सेट आप लोग करते रहो, मुझे ना काम बता दो जो मैं कर सकूँ। तो फिर मैं इस रूम में आ गई थी, यहाँ पे पहले झाड़ू लगाया था लेकिन धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा थी ना कि फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे ना ऐसे पोछा भी लगा देते हैं ताकि अच्छे तरीके से ना ये रूम जो है वो साफ़ हो जाए। फिर फर्नीचर जो है ना इजीली हम फर्नीचर को वगैरह को ना इस रूम में अच्छे से सेट कर दें। अभी बाकी दो रूम है ना, इस रूम के फर्नीचर को भी ना उस रूम में सेट करना है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब आप इस रूम को देखो, देखो भी अच्छे तरीके से साफ हो गया। बड़ी सी इसके अंदर विंडो है और यहाँ पर इसका अटैच वाशरूम भी है। बस अब यहाँ पर आना है जी भाभी का फर्नीचर और रूम जो है ना हमारी दुल्हन का बहुत ही प्यारा प्यारा सा रूम वो जहाँ सेट हो जाएगा। मुझे बेर बहुत ज़्यादा पसंद है तो फूफू ने ये बेर भेजे थे, और सफाई के साथ साथ मैं ना यहाँ पर बेर खा रही हूँ। ये काम कहीं नहीं करना है मनुष्य के अंदर, सारे काम है कि दम तुम करके दो रूम ना जो हमने उगने वो अच्छे तरीके से वो साफ कर लिए हैं। अब जो ये वाला रूम है ना इसके अंदर बहुत सारा सामान भी पड़ा हुआ है क्योंकि ये बच्चों का रूम है तो जो चीज़ उन्हें मिलती है वो रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने रिंग्स चेक करी थी, इतनी ज़्यादा रिंग यहाँ पे पड़ी हुई थी ना, और मैं देख रही थी कि जो बाहर फेंकनी है भी उसको बाहर फेंको। और यहाँ पर देखो अब लोग कितनी सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। ये जी मेरी पेंटिंग, इसको मैंने खुद बनाया था, आप लोग बताना कि मैं कैसी पेंटिंग कर लेती हूँ। ये पहले दूसरे रूम में लगी हुई थी, अब यहाँ पे ये अम्मी ने मुझे मोर का पर भी ला के दे दिया। काम थी गए और तू नचड़ चुकी गई। काम कर काम। सुबह से ही हम लोग ना सफाई में लगे हुए थे और इतनी ज़्यादा भूख लगी थी और खाना भी नहीं बनाया था, तो हमने सोचा कि कुछ अर्जेंट मंगवाते हैं क्योंकि भूख मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो हमने यहाँ ये बर्गर मंगाए थे, फानू के बर्गर। इसकी ना चटनी बहुत ही ज़्यादा लजीज थी, मज़ेदार चटनी थी भाई, क्या कमाल चटनी थी। बर्गर ना बर्गर भी बहुत अच्छे थे, मतलब सॉस होते लेकिन जो चटनी थी ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और ये देख लो अभी तक रूम की हालात ये है, यहाँ पे कपड़े जो है ना रखे रहते हैं, अम्मी प्रेस करके ही उन्हें हैंगर में डाल देती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि फिलहाल ना इन्होंने इतनी जगह घेरी हुई है तो ये कपड़े जो है ना इनको मैं समेट के रख देती हूँ। वहाँ पे देखो सामान बिखरा हुआ है, और ये मेरी अगेन पेंटिंग आप लोग देख लो। सामने वाला रूम जो है ना ये वाला, ये हमने इसको साफ़ कर लिया। दूसरे वाला रूम है ना भाभी वाला, वो तो पहले पहले ही साफ़ हो गया था। और ये बैठे हुए हैं जी अब्बास महाशय जो कि काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि थक चुके हैं, और अब उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो कोई काम नहीं करेंगे। फिर ना शाम के टाइम में दादी अम्मा ऊपर आ गई थी और उन्होंने हेल्प की थी खाला की खाना बनाने में, और इस तरीके से ना शाम का खाना जो था वो टाइम पे बन गया था क्योंकि अम्मी अभी हम लोग सारे ना अभी बिना सफाई वगैरह में ही लगे हुए थे और यहाँ पर खाना बन रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ और भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्या सफाई सफाई दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से ना यहाँ पर खाना भी बन रहा था और सफाई वगैरह भी शुक्र है हो गई थी। और ये वाला जो रूम है ना, अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें चीज़ें वगैरह रखनी है ना, ये तो है चाची का रूम, तो हम ना क्योंकि मैं भी आई हुई हूँ और मेरी और कज़न भी आएंगे तो हम लोगों ने अपने सामान ये रखने हैं। पूरा दिन लाइट नहीं थी और हालत देखो अब ना इस वक्त हम लोग बैटरी पे गुजारा कर रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, शुक्र है सफाई तो हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।